नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल दिन सोमवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जीतनराम मांझी की पत्नी ने नीतीश को लेकर कह दी ये बात। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश और तेजस्वी ने कह दी ये बात। कर्नाटक में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से नाराज नेता कांग्रेस में हुए शामिल। क्या शरद पवार को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जैसा ही मिलेगा झटका। घोटाला मामले में सीबीआई पूछताछ पर केजरीवाल ने मीडिया को बताई ये बात। विपक्ष के नेता ने मोतिहारी के शराब कांड में मरे लोगों का जिम्मेवार नीतीश कुमार को ठहराया। इन दिनों बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी शराब पीकर मरने वाले लोगों का सिलसिला थम ही नहीं रहा। जहरीली शराब पीने से अब तक 31 लोगों की मौत बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के 5 थाना क्षेत्रों में हो चुकी है। अब इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता भी नीतीश सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। दरअसल घटना होने के बाद भाजपा के प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा आज मोतिहारी पहुंचे। उनके साथ राधा मोहन सिंह, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्वी चंपारण के सांसद है, वे भी मौजूद थे। यहां वे पीड़ित परिवारों से मिलने, साथ ही घटना के कारणों का जायजा भी लेने आए थे। उसके बाद भाजपा के कार्यालय में हुए प्रेस वार्ता के दौरान पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि यह मौत नहीं हत्या है। साथ ही उन्होंने इसका जिम्मेवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठहराया। यूपी में हुए घटना को लेकर कपिल सिब्बल ने किए सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट करते हुए एक यह सवाल भी पूछा है कि जब कोई आपात स्थिति नहीं थी तो पुलिस रात के 10 बजे उन्हें चिकित्सा जांच के लिए क्यों लेकर गए। मालूम हो कि चिकित्सा जांच के लिए पुलिस प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज में शनिवार की रात अतीक और उसके भाई अशरफ को ले गई थी, जहां अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हत्या की जाँच के लिए किया गया था। जीतनराम मांझी की पत्नी ने नीतीश को लेकर कह दी ये बात। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लड़ाई करती है। बता दें कि जीतनराम मांझी द्वारा कहा गया कि ये बात उनके आवास पर हुए इफ्तार पार्टी के दौरान कही गई है, जहां नीतीश कुमार भी आयोजित हुए इस इफ्तार पार्टी में शामिल थे। मिली जानकारी के अनुसार मांझी द्वारा कहा गया है कि मेरी पत्नी हमेशा लड़ती है और कहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कभी झगड़ा नहीं करना है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर कहा कि नीतीश ने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया है और आपको काफी इज्जत और सम्मान भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उन पर काफी दबाव है और लोग उन्हें अपने पास भी बुला रहे हैं, लेकिन वे कभी नीतीश कुमार को छोड़कर नहीं जाएंगे। कर्नाटक में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से नाराज नेता कांग्रेस में हुए शामिल। इन दिनों कर्नाटक में होने वाले चुनाव के कारण राजनीतिक पारा काफी चढ़ा हुआ है। बता दें कि भाजपा पार्टी से 8 बड़े नेता टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज चल रहे थे, जिनमें भाजपा की तरफ से पूर्व सीएम जगदीश सट्टार और पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी भी शामिल है। लेकिन पिछले ही दिनों बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सट्टार बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बेंगलुरु के पार्टी कार्यालय में सदस्यता दिलवाई। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता भी मौके पर मौजूद भी रहे। पार्टी से जगदीश सट्टार का इस्तीफा देना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान भी माना जा रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश और तेजस्वी ने कह दी ये बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व सांसद और माफिया रहे अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर योगी सरकार पर गंभीर रूप से आरोप लगाए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहा गया कि कोई भी जेल जाएगा तो क्या उसकी हत्या कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपराधी प्रेस वाले बनकर आए थे वाली बात को भी झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा का ध्यान पुलिस को रखना चाहिए था। यूपी सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में सोचने की बात भी नीतीश कुमार द्वारा कही गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यायालय न्याय देता है, अपराधियों को मारना कभी समाधान नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया है कि यदि कस्टडी में हत्या की जाती है तो सवाल पूछना लाजमी है। साथ ही साथ उन्होंने इस घटना की स्क्रिप्टेड करार भी दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी से जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में हर 10 वर्षों पर होने वाले जातिगत जनगणना को कराए जाने का आग्रह किया है। साथ ही साथ उन्होंने व्यापक जाति आधारित जनगणना को इसका अभिन्न हिस्सा बनाए जाने की भी मांग की है। बता दें कि रविवार के दिन ही कर्नाटक में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एक चुनावी सभा के दौरान 2011 में हुए जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की चुनौती दी थी। साथ ही 50% के आरक्षण सीमा को हटाने की मांग भी प्रधानमंत्री से की थी। लिहाजा 16 अप्रैल को इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को एक पत्र भी जारी किया गया था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री से नवीनतम जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी।
यूपी में हुए कांड को लेकर सोशल मीडिया पर भिड़े जदयू और भाजपा नेता। बीजेपी नेताओं और जदयू के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर जंग छिड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश करते हुए जदयू अध्यक्ष ललन सिंह यूपी में हुए घटना को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में जंगल राज का विलाप करने वाले भाजपाई को उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने न्यायिक हिरासत में हत्या दिखाई नहीं दे रही है। ठीठ भाजपा सरकार न्यायालय और संविधान को ताक पर रखकर कानून की धज्जियां उड़ा रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। तो वहीं ट्विटर पर ललन सिंह के इस ट्वीट का जवाब देने में पूर्व मंत्री राम सूरत राय भी पीछे नहीं रहे। दरअसल उन्होंने ललन सिंह के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि मोतिहारी शराब कांड पर जवाब देने से बचने के लिए यूपी की कानून व्यवस्था का रोना रो रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि यूपी में एक गैंगस्टर की हत्या हुई है, लेकिन बिहार में तो आम जनता मारी जा रही है। जहरीली शराब से मोतिहारी में 32 लोगों की मौत हो और रामनवी हिंसा पर कोई जवाब है आपके पास? ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव को सीबीआई का समन। सीबीआई द्वारा ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव को भी समन भेजा गया है। बता दें कि यह समन एसएससी घोटाले मामले को लेकर भेजा गया है, जहां उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया जाने वाला है। बता दें कि इससे थोड़ी ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ी राहत दी गई है, जहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा उस फैसले पर स्टे लगा दिया गया है, जहाँ अभिषेक बनर्जी से पूछताछ का आदेश जाँच एजेंसियों को दिया गया था। इस रोक को अगली सुनवाई तक लगाया गया था और 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई की जानी थी। क्या शरद पवार को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जैसा ही मिलेगा झटका? बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में यह चर्चा काफी तेज है कि शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे जैसा झटका लग सकता है और साथ ही पार्टी में बड़ी बगावत भी हो सकती है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से विधानसभा के नेता विपक्ष अजीत पवार ने बीते दिन ही दिल्ली आकर मुलाकात की थी। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भाजपा नेताओं के साथ रविवार के दिन मुंबई पहुंचे अमित शाह द्वारा मीटिंग भी की गई, जहां इस बात की चर्चा सुनने को मिली कि एनसीपी को एक धड़े से ही भाजपा में लिया जा सकता है। बता दें कि रविवार को होने वाले महाराष्ट्र पद्म भूषण सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह शनिवार को ही मुंबई आ गए थे। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को नहीं भा रहा आपका साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे महागठबंधन से पहले ही कांग्रेस में कलह के मामले सामने आने लगे हैं। दरअसल यह कलह आम आदमी पार्टी के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के बाद से ही शुरू हो गया है। बता दें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को सीबीआई पूछताछ से पहले ही फोन करके एकजुटता जाहिर करने की बात हुई थी, लेकिन अब यह पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आ रहा है। इसका खुलकर विरोध भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया है। बता दें कि केजरीवाल को किसी भी तरह के सहानुभूति की जरूरत नहीं वाली बात सोशल मीडिया पर अजय माकन द्वारा कही गई है। वहीं कुछ नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से यह भी कहा गया है कि उन्हें आपका साथ मंजूर नहीं है। आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया को नहीं मिली राहत। अदालत की तरफ से मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से झटका दिया गया है। बता दें कि सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने एक बार फिर से उन्हें पेश किया गया था, लेकिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई और उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल तक सीबीआई के केस में और वही ईडी के केस में यह न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। महबूबा मुफ्ती ने यूपी सरकार का किया घेराव। यूपी सहित पूरे देश की सियासत, माफिया और पूर्व सांसद रहे अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस सुरक्षा के बीच हत्या के बाद सियासत पूरी तरह से गर्म है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार भी घिरती नजर आ रही है। दरअसल विपक्ष यूपी के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते हुए यह पूछ रही है कि पुलिस सुरक्षा के बीच ही इस तरह से खुलेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, तो फिर जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। इस मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि अतीक अहमद अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन पुलिस कस्टडी में जिस तरह से उसकी हत्या की गई, उसे देखकर लगता है कि यूपी में पूरी तरह से जंगल राज है। शराब घोटाला मामले में सीबीआई पूछताछ पर केजरीवाल ने मीडिया को बताई ये बात। रविवार को करीब 9 घंटे तक सीबीआई द्वारा शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पूछताछ की गई। सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल से क्या क्या सवाल पूछे गए, इस बात की जानकारी केजरीवाल ने मीडिया को दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी सवालों के जवाब केजरीवाल ने सीबीआई को दिए। अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी को उन्होंने ईमानदार पार्टी बताते हुए कहा कि मर मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी पर आंच भी नहीं आने देंगे और न ही किसी प्रकार के समझौते करेंगे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जबरन आरोप लगाए जाने की बात भी कही। आरएसएस और बीजेपी हिंदुस्तान में फैला रहे नफरत और हिंसा, राहुल गांधी।
कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कमर कस लिया है। बता दें कि आज के ही दिन कर्नाटक के बिदर जिले में एक रैली को राहुल गांधी द्वारा संबोधित किया गया। रैली के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी और आरएसएस द्वारा हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही वाली बात भी राहुल गांधी द्वारा कही गई। राहुल गांधी ने रैली में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए लोगों से वादा किया कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह पहले दिन ही किए गए वादों को पूरा करेगा, लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। रूस चाहता है $50 अरब के पार भारत और रूस के रिश्ते मौजूदा वित्त वर्ष में पहुंचे। भारत के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए रूस के तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल यह प्रयास पिछले साल से ही किए जा रहे थे, जब अमेरिका और यूरोप द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर भारत को सस्ता तेल देने के लिए राजी हुआ था। इस वजह से लगभग $40 बिलियन तक बीते वित्त वर्ष में भारत और रूस के बीच का ट्रेड पहुंच गया। बता दें कि लगभग 70% तक यह ट्रेड भारत अमेरिका ट्रेड से कम है, इसलिए रूस का सबसे बड़ा डेलीगेशन इस अंतर को खत्म करने के लिए भारत आ रहा। इसमें कई कंपनियों के CEO समेत डिप्टी PM और देश के कई मंत्री भी शामिल रहेंगे। लिहाजा रूस यह चाहता है कि दोनों देशों के बीच यह रिश्ता मौजूदा वित्त वर्ष में $50 अरब यानी 4 लाख करोड़ के पार पहुंचे। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, अंशु प्रिया, नुन्नू गोलू कुमार, नीतीश यादव और मलिन कुमार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यूपी में हुए कांड पर विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।